क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्टिंग किलोग्राम इनटू ग्राम्स, मींस हमें यहाँ पे क्या करना है किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। किलोग्राम भी आपको पता है और ग्राम, ग्राम क्या होता है स्मॉल में जब आता है, और किलोग्राम जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा में नापते हैं, तो ज़्यादा हम किलोग्राम को उनमें नापते हैं और कम को हम ग्राम में नापते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और जब 1 kg पर 1000 ग्राम होगा तो 2 kg इक्वल टू कितना होगा, 2 × 1000 2000 ग्राम, 3 × 3 × 1000 3000 ग्राम, 4 kg में 4000 ग्राम, 5 kg में 5000 ग्राम, 9 kg में 9000 ग्राम, जितने भी डिजिट आपके पास होंगे उतने में उतना ही 1000 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है 1000 का बॉक्सेस है एंड 2000 का बॉक्सेस है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम एंड 3 kg इक्वल टू 3000 ग्राम, जितने भी डिजिट आपके पास होंगे उतने में उतने उतने ही केजी में उतने ही 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है 9 kg एंड 950 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है, कि यहाँ पे ग्राम भी आपको दिया है और केजी भी आपको दिया है, तो हम केजी में को जब ग्राम में चेंज करते हैं, केजी स्मॉल डिजिट होता है और ग्राम ज़्यादा डिजिट में होते हैं, तो अब केजी को हमें ग्राम में चेंज करना है, हम क्या करेंगे 9 × 9000 = 9000 ग्राम एंड 900, अभी के 9000 ग्राम और 950 ग्राम दोनों अलग अलग हैं, तो अब हम दोनों को अलग अलग लिखने की जगह उसे क्या करेंगे एक साथ ऐड करके लिखेंगे, तो 9000 ग्राम में हम ऐड कर देंगे 950 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 9950 ग्राम। इस टाइप से आप किसी भी डिजिट को ग्राम में चेंज कर सकते हैं। हम केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड अपने आप ही याद रहेगा आपको। उसके बाद सेकेंड आपने देखिए, अब आपके पास आता है कन्वर्ट, लेट्स ट्राई 5, लेट्स ट्राई 5, लेट्स ट्राई 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जिससे यहाँ पे 8 kg दिया है, तो 8 × 1000 8000 ये तो इजीली आप कर लेंगे। उसके बाद हम सेकेंड आपको बताते हैं 67 kg। ठीक है, अब हमने इसे क्या करना है, इसे हमें ग्राम में चेंज करना है, तो अभी तक हमने आपको 9 kg तक बताया था 9 × 1000 तो 9000, अब 67, ठीक है, तो 67 × 1000 ग्राम, क्यों, क्योंकि 1 kg पर 1000 ग्राम होता है, तो 67 × 1000 तो कितना हो जाएगा 67000 ग्राम। देखिए कितना ईजी, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट हम आपको बताएंगे, बाकी के बीच के क्वेश्चन आप ही लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई वाला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, आई वाले क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है 5 kg and 416 ग्राम, जिसे हमने आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बताया था 9 kg वाला, इसी टाइप से 5 × 1000 तो आपका कितना हो गया 5000 ग्राम। हम ऐड कर देंगे 5000 ग्राम में 416 ग्राम को, ओके, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 5416 ग्राम, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जे 22 kg and 25 ग्राम, तो लास्ट क्वेश्चन आपका जे पॉइंट 22 kg and 25 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए 22 है, 22 में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22000 ग्राम। अब हम 22000 में ऐड कर देंगे 25 ग्राम को, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 22000 25 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बाकी के क्वेश्चन, बीच के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व करेंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे।
अब बेटा हमें हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया था और अब हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमने बताया था 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है एंड 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है, ठीक है। तो अब हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो फर्स्ट हम करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है 8960। मैंने भी आपको बताया था कि जब केजी में देखिए यहाँ पे ग्राम का डिजिट जो होता है वो लार्जेस्ट में होता है एंड केजी का जो डिजिट होता है वो स्मॉल में होता है। ग्राम का देखिए यहाँ पे हमें जो चेंज करना है केजी में वो देखिए लार्जेस्ट डिजिट में है, ठीक है। अभी जब हमारा केजी आएगा तो वो स्मॉल डिजिट में आएगा। तो हम क्या करते हैं, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें 8960 दिया है जिसे हमें डिवाइड करना है कितने से, 1000 से, क्योंकि 1000 ग्राम होता है 1 kg में, ठीक है। अगर हम इसे अलग अलग कर दें तो ये देखिए 8000 + 960 ग्राम, ठीक है। तो अब हम अगर इसे डिवाइड करते हैं डायरेक्ट 8960 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में 8000 आपका आएगा, ठीक है। एंड 960 आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा और 8 हमारा क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखिए इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 8960 / 1000। तो यहाँ पे आपका क्या आया, 8 आपका रिमाइंडर आया और 960 आपका एक केजी एंड 960 ग्राम आपका आंसर आया। कितना, कितने किलो केजी आया, 8 kg आया, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे डिवाइड करके इसको सॉल्व किया है, 8 टाइम्स में 8000 आपका कंप्लीट हो गया एंड 960 आपका रिमाइंडर आया। तो आपका आंसर कितना हुआ, 8 kg 960 ग्राम। देखिए यहाँ पे आपको केजी भी पता चल गया और ग्राम भी आपको पता चल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू केजी, हमें कन्वर्ट करना है किसको, ग्राम को केजी में। हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये पॉइंट आपको दिया है 3480 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3480 में डिवाइड करना है आपको 1000 से। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 kg 480 ग्राम। और अगर आपको इसे सॉल्व करना है, डिवाइड करके सॉल्व करना है, तो आप इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, एच पॉइंट में आपको दिया है 9876 ग्राम। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 9 आपका आएगा, 9 kg एंड 876 ग्राम आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आप इसे क्या कर सकते हैं, आप 9876 को डिवाइड कर सकते हैं 1000 से। जब आप इसे डिवाइड करेंगे इस टाइप से तो आपका 9 kg 876 ग्राम आपका आंसर आएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कन्वर्ट करने वाला ख़त्म होता है। अब हमारा आता है एडिशन टू लेंथ।